सावन माह में बड़वाह के नाव घाट खेड़ी स्थित नर्मदा तट पर सुबह से सैकड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन स्नान के बाद महिलाओं को कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए लगाए गए अस्थायी चेंजिंग रूम सोपीस बने हुए हैं। घाट पर बिना दरवाजे के टूटे चेंजिंग रूम रखे हुए हैं। इस पर पंचायत के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रद्धालु सुधीर सेंगर ने बताया कि पंचायत द्वारा नर्मदा तट पर जिन्हें पार्किंग का ठेका दिया गया है, उनसे तट पर साफ सफाई, चेंजिंग रूम की देखरेख का भी अनुबंध रहता है, इसके बावजूद वह ध्यान नहीं देते। यहाँ पर महिलाओं के लिए पूर्व में वस्त्र परिवर्तन करने के लिए अस्थाई रूप से टीन शेड का निर्माण किया गया था, जिसका पानी बढ़ जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से वर्तमान में महिलाओं को वस्त्र परिवर्तन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय घाट पर पार्किंग के ठेकेदार से कई बार कहा गया कि ये जो वस्त्र परिवर्तन करने के कक्ष हैं, ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इनकी मरम्मत तत्काल की जानी चाहिए ताकि महिलाओं को कपड़े बदलने में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी सरपंच और ठेकेदार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, और पवित्र श्रावण मास में जबकि स्नान करने वाले त्यौहार पर स्नान करने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है, ऐसे समय पे महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा तट पर महिला श्रद्धालुओं को कपड़े बदलने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, बावजूद इसके कोई गंभीर नहीं है। बड़वाह से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।